खबर आप। करनाल में निर्दोष आईआईटी छात्रों पर हुए हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज मामले में आज पंचकुला में विरोध प्रदर्शन किया गया। जी हां, यहां पर जय नायक जनता पार्टी पंचकुला शाखा की छात्र इकाई इनोसी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का विरोध प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा पंचकुला के सरकारी कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद अभियुक्ता के माध्यम से महामहिम राज्यपाल हरियाणा के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान खट्टर सरकार का पुतला बनाकर भी शव यात्रा निकाली गई और उसके बाद छात्रों ने वहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल कई बार ट्रैफिक रोकने की कोशिश भी करी गई, लेकिन यहाँ पर पुलिस व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से छात्रों ने ट्रैफिक हालांकि नहीं रोक पाए, लेकिन जो शव यात्रा थी वो निकाली गई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संस्कार भी नसीब नहीं होगा, हम इसे सड़क पे घेर के जाएंगे, गाड़ियां कुचले, प्रशासन उठाए, हरियाणा सरकार की इससे ज्यादा दुख की नहीं होगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 आज हमने खट्टर सरकार का अर्थी बना के उनकी शोभा यात्रा निकाली थी अर्थी की, और उसके बाद हमने यहाँ आके उसको जलाने का काम कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो पुलिस के साथ सरकार के साथ जो मिली हुई है उन्होंने हमको ऐसे करने से रोक लिया है। और मैं ये कहते हैं कि हर जगह हरियाणा में हर जगह अगर फूके जलाए गए हैं तो हम आपको जलाने देंगे। हमने इनको बाकायदा सबूतों के साथ इनको दिखाया है कि पूरे प्रदेश में पुतले जलाए गए हैं सरकार के, पर इन्होंने हमको जलाने नहीं दिया है। हमारे ऊपर हम तानाशाही, हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करके हमको रोका गया है इन्होंने। आज आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस के भारी बल तैनात, डंडे लेके हमारे को आ रखे। हम छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं यहाँ पर।